सीडीएस संघ जान गंवाने वाले विंग कमांडर का एमपी से कनेक्शन। पायलट पीएस चौहान रीवा सैनिक स्कूल में पढ़े, स्पेशल स्टूडेंट के रूप में थी पहचान। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट पीएस चौहान का मध्य प्रदेश के रीवा से भी नाता रहा है। रीवा सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश बैंदा ने बताया कि चौहान ने 1991 से लेकर 1998 तक यहां रहकर पढ़ाई की थी। वे 7 सालों तक सैनिक स्कूल के चंबल हाउस में रहे थे, यहां उनकी स्पेशल स्टूडेंट के रूप में पहचान रही है। वे स्टडी से लेकर स्कूल की हर एक एक्टिविटी में शामिल होते थे। पास आउट होने के बाद राष्ट्रीय एकेडमी का 100वां कोर्स ज्वाइन किया, फिर 22 जून 2002 को वायु सेना में शामिल हुए थे। पृथ्वी सिंह चौहान इंडियन एयरफोर्स की 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्हें 2015 में विंग कमांडर बनाया गया था। पृथ्वी सिंह चौहान एक अनुभवी पायलट थे, उन्हें इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। उनके निधन से पूरा स्कूल परिसर शोक संवेदना व्यक्त करता है। कर्नल की माने तो विंग कमांडर ने 1998 में ही नेशनल डिफेंस अकादमी ज्वाइन की थी। वे मात्र 42 वर्ष के थे। उनके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह चौहान और माता का नाम सुशीला देवी है। उनकी पत्नी का नाम कामिनी है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा दयालबाग के शरण नगर के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी तैनाती कोयम्बटूर के पास वायुसेना स्टेशन सुलूर में थी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जांबाज पायलट थे। वे खेल कूद और पढ़ाई दोनों में अव्वल रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा वाले छात्र थे। बता दें कि बुधवार दोपहर 12 बजे के आसपास तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। सेना के मुताबिक विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान ही हेलीकॉप्टर उड़ाते समय शहीद हो गए थे। गुरुवार को सैनिक स्कूल रीवा के मनकेसा सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल राजेश बैंदा ने उनकी शहादत को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा, साथ ही के दौरान की यादें शेयर की। स्कूल परिवार ने कहा है कि हम शहीद के पिता से बात कर अपनी संवेदना देंगे। इस दौरान समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। 22 पुशअप कर शहादत को किया याद। सैनिक स्कूल प्रांगण में गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे कर्नल के नेतृत्व में 22 पुशअप मार कर उनकी शहादत को याद किया गया। कर्नल ने कहा कि हमने इस साल 2 वीर योद्धाओं को खोया है। 13 नवम्बर 2021 को कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 8 दिसंबर 2021 को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को खोया है। दोनों सैनिक स्कूल रीवा के स्टूडेंट रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।